नमस्कार भाई, सभी साथियों को ये पता है कि इलेक्शन की तारीख तय हो चुकी है और कल से हम एक्सएक्सडीएम संदीप साहब का जो प्रोग्राम देख रहे हैं, लावण का प्रोग्राम था, बहुत ही ज़बरदस्त। उस प्रोग्राम से महसूस होता है कि 90% लोग साहब के साथ जुड़ चुके। उसके बाद पार्टी पटियाला का 3 बजे प्रोग्राम था, उससे भी कहीं और ज़्यादा था। आज सुबह का प्रोग्राम गांव माधोगढ़ में था, वो बहुत भारी ज़बरदस्त। उसके आलिया सरपंच ढीलू जी ने ये कहा कि जी 90% हमारा गांव खरा उतरेगा। और मैं यहाँ आपके गांव बुरजट में भी आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि अक्ष सरपंच वीर सिंह जी और आलिया सरपंच भी बैठे हैं। तो भाई कुल मिला के इलाके में 82 पंचायतें हैं हमारे महेंद्रगढ़ हल्के में, सब नया पुराना सारा सरपंच, ब्लॉक समिति, चेयरमैन, जिला प्रमुख, पार्षद, सब ने ठान लिया है कि अब की बारी संदीप सर 1 लाख पार। और भाई ज़्यादा मैं क्या बताऊं कि आप सब बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, इनसे पढ़ा लिखा पूरे हरियाणा में 90 विधानसभा में कोई व्यक्ति मुझे मिला नहीं। मैं 10 स्टेट घूमता हूं, ये पेपर आपके हाथ में, जिस महापुरुष ने ये लिखा होगा कितना दिन लगा होगा, इन ये दो जो व्यक्ति रहे, एक 20 ने साहब ने 36 प्रोजेक्ट लिखे, 36 वचन लिखे, एक वचन आज तक 40 साल 1952 से लेकर के आज तक किसी व्यक्ति ने लिखी दिखाया नहीं कि मैं एक वचन लिखता हूँ किसी समाज का, किसी जाति का, किसी धर्म का क्या करूँगा। लेकिन इस महापुरुष ने, मैं तो एक साधारण इंसान नहीं समझता, ये कोई भगवान का अवतार समझता हूँ कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में किसी शक्ति को यहाँ भेजता है कि जाओ तुम उस जनता का उद्धार करो। जैसे ये धरती माता गाय का रूप लेकर के पृथ्वी पर पाप बढ़े थे, ब्रह्मा जी के पास गई थी, दुआ करी थी, ऐसे भी मैं मानता हूँ कि ये भगवान ब्रह्मा जी ने कोई रूप दे करके भेजा है। और ऐसा संभव नहीं है जिस पद पे ये थे उस पद को आज ठुकरा के और या जनता की सेवा में आए, ये थोड़ी बात होती नहीं भाई लोगों। इसने पढ़ लिया है, शादी नहीं कही ऐसे, और जनता के लिए इतना बड़ा पद त्याग के, और ऐसे भी नहीं, पीछे भी अनके दादा श्री राम नारायण जी डीसी रहे, अनके दादा सांत रहे, अनके पिता श्री चोरी बहादुर सिंह जी शिक्षा मंत्री रहे, इनके बड़े भाई जगदीप जी कमिश्नर थे, ये खुद भी पद पे थे, इनके भाई का लड़का भी आज SDM है, एक इनकी भतीजी जो गोरा सोरान के नाम से निशानेबाजी में गोल्ड मेडल लिए हुए, ऐसे भी नहीं थे कि भाई किसी उसी परिवार से, ये पहले भी उस परिवार से जुड़े थे। आज इतना संकल्प लिया ये त्यागी पुरुष मैं मानता हूँ। फिर एक संकल्प कैसे लिया कि सुभाष चंद्र बोस का लोगो लगा करके आज इन्होंने सदस्यता का एक कार्ड सबको दिया, किसी भाई के पास नहीं हो ऑफिस में जाके बनवा लेना, वो नहीं भूलना। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई कोए बोरी गेरे ना, यो तो भाई गधा के दिखे रह लेनिया की मचो है, 51,000 रुपया तुम परिवार ने दिया, जिन कह मजबूरी विदायत हुई, किसके माँ बाप जो लड़कियाँ 51,000 रुपया दिया, और जिनकी गा मरगी साहब ने के दूध गालो भाई लस्सी खाई ने, दूध देखे उन दौड़ो देखे उनकी देखे उन्होंने 11,000 रुपया दिए, बोरी कतरा पड़िया कि बिल गुन जाए हमने, और बोरिया ही तो कसर छोड़ गुन रखी कि भाई ना लेनो आओ तो वो खुद करमा का बाठा बांधा, वो हमारे बस की बात। तो भाई लोगो तारीख तय हो चुकी है, ऐसा शख्स 90 विधानसभा में पढ़ा लिखा ईमानदार सच्चाई, एक भी आदमी आके ये कह दे कि मेरे से 2 रुपये किसी काम के लिए हूँ, ये खुद कहता है कि जब मैं SDM पद पे रहा कोई एक व्यक्ति आकर के ये कह दे कि भाई आप SDM पद पे थे, ये SDM का काम था आपने किया नहीं, अगर वो रात में आया चाहे वो दिन में आया, चाहे ड्यूटी टाइम आया चाहे बगैर ड्यूटी टाइम, उसको जात नहीं पूछी, काम नहीं पूछा, धर्म नहीं पूछा, उसको पहले पानी पिलाया, चाय पिलाई, बिस्कुट, अब आपका काम बताओ, ऐसा इंसान होना असंभव है इस पृथ्वी पर आज इस कलयुग में। और मैं तो भाई अपनी ओर से कहूँ छूँ ईसा महापुरुष ने तो वोट की के बाद मेरा तो जसर भी मांगे तो मैं तैयार की देव ने क्या। तो भाई मैं और क्या बताऊँ, सभी साथी आप सभी का धन्यवाद, सभी का साथ, सभी का विकास, आप सभी मिलकर आपका ये परिवार सच्ची क्रांति का, आप सभी मिलकर के आने वाली तारीख को ये नहीं बोले, इलेक्शन आपका है, मंच आपका है,
कुर्सी आपकी है, लेकिन साहब का काम है सिर्फ निशान ला करके आप लोगों को दिखाना कि ये मेरी है, बाकी काम सभी को धन्यवाद। अरे बहुत ही प्रिय सरपंच साहब, एक्स सरपंच साहब भीम सिंह जी और जितने भी यहाँ पर बुज आए हुए हैं, मैं सभी का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मैं बजरंग जी का भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ जो सुहासरा से चल के यहाँ पे आए हैं स्पेशल, और जितनी भी हमारी टीम है मैं इनका भी थैंक्स करना चाहूँगा। देखिए कुलन जी ने काफ़ी कम शब्दों में आपको सारा कुछ बताया है, और आप सबको मालूम भी है अपने बुरजट गांव से, तो मेरे पास ऑफिस में बहुत लोग आया करते थे शुरू से, और हर व्यक्ति को हमने मान सम्मान देने की कोशिश करी, हर व्यक्ति को हमने आदर सत्कार देने की कोशिश करी, और हर व्यक्ति हमने काम करने की कोशिश करी। आप देख ही रहे हैं मुझे पूरे 24 साल से, बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, 24 साल से किस तरह से निस्वार्थ हम आपकी सेवा कर रहे हैं, बिना कुछ हिसाब में बैठे, बिना कुछ चाहिए। हमारी एक ही इच्छा है किस तरह से आपके बच्चे नौकरी लग जाएं, किस तरह से अपना महेंद्रगढ़ आगे बढ़ जाए। 24 घंटे हमारे दिमाग में एक ही बात रहती है, अपने महेंद्रगढ़ को हमें क्लास 1 सिटी बनाना है, वर्ल्ड क्लास में टॉप पे बनाना है, और वो सब के सब आप लोग इकट्ठे मिलके ही बना सकते हो, अकेला संदीप सिंह बना सकते हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे की जो चमक और आपका जज्बा देख रहा हूँ मैं, और आप देख रहा हूँ मैं आप इतनी देर से वेट कर रहे थे, इससे क्लियर पता चलता है कि आपके दिल में जो जज्बा है अपने महेंद्रगढ़ को करप्शन से, क्राइम से, अन्य चीज़ों से आज़ादी दिलवाने का, ये आपके चेहरे पर साफ दिख रहा है। जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हुए सबके दिल में एक जज्बा पैदा हो गया कि हमें इकट्ठे होके 45 साल वालों को ख़त्म करके, उनका राजपाट ख़त्म करके खुद के हाथ में सत्ता लेके आनी। हम चाहते हैं कि हमारी जनता के हाथ में सत्ता आए। अब तक केवल 2 परिवारों के हाथ में सत्ता थी, आप देख रहे हैं कुछ भी काम हुआ नहीं हुआ वो सब आपके सामने है। हम अपने भाषण में कभी किसी की बुराई नहीं करते, उन्होंने हमारे लिए 5-6 आदमी छोड़ रखे हैं महेंद्रगढ़ में, गाली निकालो गाली निकालो गाली निकालो संदीप एस डी एम को, उनको ये नहीं मालूम एक गाली के मेरे 1000 वोट बढ़ते हैं, ये नहीं मालूम कितने निकालेंगे निकालते रहें। अब देखिए ना सपोज करो ये पगड़ी है, ये पगड़ी सर पास दे तो मैं तो नहीं लेता, किसी पास रहेगी, मेरे पास रहेगी, तो जो चीज़ आप लोगे नहीं तो उसी के पास रह जाएगी। तो गाली का जवाब हमें काम से देना है, हमें काम करके दिखाना है। अभी आपके सामने कुलन जी ने बताया किस तरह से, देखिए शहीद परिवारों को आज तक कभी किसी ने सम्मान ही दिया था, पहली बारी आपके संदीप सिंह ने 9 शहीद हुए थे अभी तक अपने 1.5 साल के अंदर अंदर अपने एरिया में, 7 शहीद परिवारों को आपका संदीप सिंह सम्मान दे चुका है। सम्मान के तौर पे एक पीपल का पेड़, 51,000 रुपये की राशि मेरे पेंशन में से, और 5 बच्चों का स्कॉलरशिप, ये हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से निकाला है। और भी आप सब पढ़ सकते हैं इस बुकलेट के अंदर हमने क्या क्या लिखा है। हमारा तो एक ही मकसद है, हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, ये जो हमारा यूथ खड़े जो बच्चे खड़े हैं, ये जब 4-5 साल बाद बड़े होंगे इनको नौकरी की जरूरत पड़ेगी, तो फिर नौकरी का उनको कैसे होगा बताइए आप, क्या समाधान होगा इनका। इनका समाधान आप लोग ही निकाल सकते हो, आपके पास ही है, और आपके पास सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार है। देखिए समय आएगा जब आपके साथ क्या करेंगे, ये आप पे तरह तरह प्रेशर डलवाएंगे, पॉलिटिशियंस लेके आएंगे, जानकार लेके आएंगे। हम तो एक ही बात कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को चुनो जिसका आपने 20 साल का जीवन चरित्र देख रखा हो, जो आपके लिए जी रहा हो, ना कि अपने खुद के बच्चों के लिए। आपको पता है हम इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आए, हम हमारी पूरी 10 साल की क्लास 1 की नौकरी थी, मेरे साथ वाले सब DC लगे हुए हैं, कमीशन बन जाएंगे 2 साल बाद, मैं भी कमीशन बन जाता, लेकिन ये सारी की सारी तपस्या हम इन आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। आप सब पर फर्ज बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है आप सबका। अगर आपका संदीप सिंह सब कुछ छोड़ के आपके बच्चों के लिए मेहनत करना चाहता है, तो 1 महीना आप भी सब कुछ छोड़ के अपने बच्चों के लिए मेहनत करें, आप भी लग जाइए, जी जाने कर दीजिए, क्योंकि ये सुनहरे मौके कभी कभी मिलते हैं। आप सोच के देखिए 45 साल में आज तक क्यों कोई नहीं आगे आ पाया, क्योंकि जो भी लोग खड़े थे उनमें कमियां होती थी सारी की सारी, अब जब से लेके अब तक ये उनको खरीद लेते थे, और कुछ को ही खड़ा कर देते हैं, कुछ को अलग ये, कुछ को दूसरे वाला व्यक्ति, ताकि वो दूसरे काट दे वो दूसरे काट दे, ये सोच रहती है इनकी। तो आप ये सोच के देखिए कि जो व्यक्ति नॉलेज वाला होगा, जिसको ज्ञान होगा, ही नोज द सिस्टम कैन चेंज द सिस्टम, सिस्टम को जानने वाला ही सिस्टम को चेंज कर सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर एक किसान को आप दुकान पे बिठा देंगे एकदम से, क्या दुकान चला पाएगा वो, या दुकानदार भाई को किसानी में लगा देंगे कैसे किसानी कर पाएगा वो। वही चीज़ हमारे साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो नॉलेज होती है वही काम कर सकता है। हमने इसमें 36 जो उद्योग लिखे हैं, ये इसे लिखे हैं कि हम बना सकते हैं, हम कर सकते हैं उनको, इन्होंने नहीं किया कुछ भी। अब बताइए ना, एक MLA को
ये कई बार आपको भ्रमित करने के बोलते हैं, कुछ पैसा नहीं मिलता एमएलए को तो, कुछ नहीं मिलता एमएलए को तो। एमएलए को भी 25 करोड़ रुपए विकास के मिलते हैं, कोई पक्ष का विपक्ष का कोई भी हो, और 5 करोड़ रुपए मिलती है डिस्कशन ग्रांट, स्वच्छ अनुदान 30 करोड़, तो ये हो गए। और चाहे तो 4-5 प्रोजेक्ट स्टेट से लाए, सेंटर से लेके आए, 70-80 करोड़ रुपए का मालिक होता है एमएलए। लेकिन हम जनता को, भले भोले भाली जनता को भ्रमित कर देते हैं, यार मेरे कुछ नहीं मिलता कुछ नहीं मिलता। तो ये चीज हमें देखनी होगी कि आपके सामने सत्य कौन है और असत्य कौन है, उसको चुनना होगा सत्य और असत्य में। आपके सामने इस टाइम झूठ बोलने वाले बहुत आ जाएंगे, मैं कुतुब मीनार ले आऊंगा, मैं ताजमहल ले आऊंगा, मैं चांद ले आऊंगा, मैं ये ले आऊंगा, क्या संभव है? वही बात बोलो जो संभव हो सकती है। हमारा एक ही मकसद है, अपने बुरजट गांव का कोई भी बच्चा बेरोजगार ना रहे। ये जो बच्चे हमारे बड़े होंगे 4-5 साल बाद, ये बेरोजगार ना रहे। ये आपके हाथ में है सब कुछ। तो मैं आप सभी से एक विनती करना चाहूंगा, कृपया करके आपकी रिश्तेदारी या जानकारी या इज्जत दो, लेकिन वोट दो अपनी सोच समझ से, ईमानदारी को, सच्चाई को, विकास करने वाले को, नौकरी देने वाले को। क्यों जी, आप सब सहमत है ना हमारी बात से? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे वीर सिंह जी का मैं दोबारा से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने जो हमें सबको एक दूसरे से मिलाने का काम किया। फिलहाल सरपंच साहब को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, इन्होंने टाइम निकाला। आप सबका भी जो आसपास के गांव से आए हुए हैं, ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। आप जितने भी यहाँ पे प्रभुजन बैठे हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इस पवित्र माटी पे और परमपिता परमेश्वर को साक्षी मान के आप सब लोग सच बोलिएगा, क्या इस बारी आप सच्चाई ईमानदारी का साथ दोगे? कौन कौन देना चाहते हैं मुझे, दोनों हाथ खड़ा करके बताइए आप। या तो 100% है, ये तो 100% है, ये तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। देख लीजिए 30 दिन की बात है, सिर्फ 30 दिन हम मेहनत कर लेंगे, 60 साल का आराम हमें को मिल जाएगा। देखिए आज हम भुरजट गांव में मौजूद हैं, और भुरजट गांव में जो है पूर्व एसडीएम संदीप सिंह का कार्यक्रम किया गया है। और यहां पर देखिए, यहां पर भी जो है भारी संख्या में जो लोग यहां पर इनको सुनने के लिए आए, और इन्होंने हाथ खड़ा करके पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को समर्थन भी दिया है। तो एक जो लोगों में उम्मीद थी कि संदीप जी को समर्थन दिया जाए, तो आज इस गाँव में बड़ा समर्थन मिला है। तो हमारे साथ पहले पूर्व सरपंच जो है वो मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? वीर सिंह जी। वीर सिंह जी, सर क्या कहना चाहेंगे संदीप जी को लेके, आज समर्थन दिया है? हाँ, हम तहे दिल से संदीप जी के साथ हैं, पूरा सहयोग देंगे। जहाँ तक हमारी कहीं भी ले जाने की जरूरत पड़ेगी, हम बस हर वक्त तैयार, कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे। अब की बार बदलाव करना चाहते हैं? हाँ, बदलाव करना चाहते हैं, मतलब पूर्ण रूप से आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं जी। चलो ठीक है सर। तो देखिए हालिया सरपंच भी हमारे साथ मौजूद है, और दोनों यानी कि जब पूर्व सरपंच और हालिया सरपंच साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा गांव साथ होता है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, आप भी अभी सरपंच हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जिसे आज संदीप जी को सभी लोगों ने समर्थन दिया है, और आपने भी जिसे हाथ खड़ा करके, मैं देख रहा था आप वादा कर रहे थे कि भी हम साथ देंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? बस यही है, जब बुजुर्ग वीर सिंह वगैरह साथ है तो हम भी साथ ही है। बिल्कुल। कौन सी क्वालिटी पसंद आई संदीप जी की? क्वालिटी तो बस यही है, ये भी हम, इन्होंने भी हमारा साथ दिया था, हमने भी इनका दे देंगे। अच्छा, तो मतलब कोई अंदरूनी बात है, कहीं ना कहीं साथ दिया है आपका। तो लगातार ये कई सालों से यहाँ सेवा करते रहे हैं। हाँ, इस वजह से भी पसंद आ रहे जनता को। चलो ठीक है, तो देखिए यहाँ के कुछ लोग हैं। सर नमस्कार, क्या क्या नाम है सर? बलदेव कुमार। बलदेव जी क्या कहना चाहेंगे, आज ये विचार सुने हैं? हम इनके साथ तन मन धन से संदीप जी के, और ये ईमानदार है, सच्चे है, और हम कर्मठ है, इनके हम साथ हैं। बिल्कुल। और आज ये पंपलेट जो दिया है, इसमें आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा है, पढ़ लेंगे। लेकिन फिर भी इसमें कुछ दिखा रखा है, जैसे 36 बिरादरी, 36 वचन, हर दूसरे गांव में उद्योग। हाँ बिल्कुल। क्या लगता है, कर पाएंगे संदीप? ये कर पाएंगे, औरों के बस की बात नहीं थी? नहीं। चलो ठीक है। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहेंगे, लगातार आप भी, मैं देखता हूँ संदीप जी से कंधा मिला के चलते हैं, और आपके गांव में भी एक प्रोग्राम हुआ था तो भारी समर्थन वहां से मिला था। सर सबसे पहले आपकी बार जोश कैसा देख रहे हैं जनता में? सबसे पहले आपका धन्यवाद कर जाते हैं सैनी साहब, उसके बाद आपने, हम देख रहे हैं कि संदीप साहब शुरू से हम साथ लगे हुए हैं और आगे साथ रहेंगे, और अभी टाइम बहुत कम रह गया वैसे भी, तो इसमें हम कंधे से कंधा मिला साथ चलेंगे, जितनी हम कर सकते उससे ज्यादा कुछ करेंगे। बिल्कुल। और कोशिश करेंगे संदीप साहब बाजी पार हो, बाजी पार हो। बिल्कुल बिल्कुल। सर जी कैसे हो? ठीक है सर। संदीप जी के विचार सुने कैसा लगा? अच्छे लगे सर। बढ़िया है, तो इन नेताओं को आपकी बार जैसे पूर्ण समर्थन मिलेगा यहाँ से? हाँ जी बिल्कुल। चलो
सर नमस्कार। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? बदलाव चाहते हैं हम तो, बदलाव चाहते हैं हम तो, साहब के साथ शुरू से साथ हैं, आगे भी साथ देंगे और अब की बार 100% बदलाव करने का विचार है। अब जीत निश्चित दिखाई दे, निश्चित 100%। सर क्या कहना चाहेंगे जी? हम संदीप SDM के साथ है जी, पीछे भी साथ थे, अब भी साथ हैं, और SDM पद पर रहते हुए भी कभी भी इसके पास गए तो इसने मना नहीं किया कोई भी, इसलिए हम साथ हैं। वैसे ईमानदार भी बता रहे हैं और जी बिल्कुल ईमानदार है, कहते हैं करते भी करते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे आज संदीप जी? मैं तो पीछे से संदीप साहब को जानता हूँ बहुत आगे से, हमारे रिश्तेदारी का भी कनेक्शन है वहाँ आशा सर से इनका, ये आशा सर के गाँव के भाणजे हैं, आशा सर से इनकी भाणजे, इनकी माँ का नाम भी जानता हूँ मैं तो, बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ इनकी, तो यहाँ पे पूरा समर्थन है इस गाँव का। हाँ जी, हाँ जी। और जी क्या कहना चाहोगे? संदीप सिंह के साथ, संदीप जी के साथ हैं बिल्कुल, 101 आज नहीं पहले का भी दे रखा है, पहले से दे रखा है बिल्कुल। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, हम जी संदीप, संदीप जी के साथ हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, तन मन धन से इनके साथ हैं बिल्कुल। तो देखिए यहाँ भुरजट गांव में आज आए थे और भुरजट गांव में जो है तकरीबन जो लोगों ने इनको साथ दिया और यहाँ पे समर्थन दिया, क्या कहना चाहेंगे? सर तन मन धन से साथ हैं, संदीप जी के साथ हैं, साथ पूर्ण बहुमत से मतलब जीत होगी आपकी, पूरी बहुमत से बिल्कुल। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश है जी हम तो संदीप जी को देख के, अगले मतलब आने वाले समय में हम संदीप जी को बहुत बड़ा चेहरा देखना चाहते हैं इस, मतलब महेंद्रगढ़ को इतना काम किया है और भी करेगा, हम तो साहब के पूरे समर्थन साथ है, पूरे साथ है, थोड़े बिल्कुल भी। हाँ सर नमस्कार। सर नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहना, सच्चाई और ईमानदारी का साथ देने के लिए विद इन 24 घंटे तैयार हैं, और ऐसे ही नेता की हमें जरूरत है, वो है SDM संदीप सिंह। संदीप सिंह बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कुछ और भी गाँव के लोग हैं, मैं उनसे मिलवाना चाहूंगा। सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे सर? संदीप जी को सुना है, कितना समर्थन है? तन मन तद जी साथ हैं, सरोते ही सरों से साथ हैं संदीप जी के। सर जी क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, मैं सर पाली गांव से हूँ, राजीव, और सर हम तो सर पिछली योजना से हम साहब के साथ हैं और सर तन मन से साथ हैं, और तन मन से साथ देंगे और विजय हासिल कर पाएंगे, मतलब पूरा आपका गांव पाली भी एक तरफा है। हाँ जी, हाँ जी, पूरा मन बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? हम तो महेंद्रगढ़ से दोनों रावणों का टाड़ा चाहते हैं जी। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? ये हट जाओ जी, और संदीप को लाना है, संदीप को लाना है, मन बना लिया? हाँ जी, पक्का जी। चलो ठीक है, एक तरफा जीत होगी। हाँ, एक तरफा जीत, यही बात है जी, एक तरफा। तो साहब क्या कहना जी? बिल्कुल, अब की बार एक तरफा, एक तरफा जीत संदीप साहब, 1,00,000 बार, 1,00,000 बार, 1,00,000 बार। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे? जैसे आज संदीप जी का कार्यक्रम हुआ है बजट में, कितना समर्थन रहेगा आपका? हम तो साथ हैं जी, शुरू से साथ हैं, पिछली बार विधायक भी साथ हैं जी। अच्छा, तो क्या लगता है गांव वालों का मन किस तरह से है? सब साथ है, पूरा गांव साथ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देखिए आज भुरजट गांव में हम आए हैं और यहां पे लोगों की जो मन की बात है, उनकी जो राय है वो साझा की है, और यहां पे भी काफी लोग आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा गांव यहां पे ऐसा लग रहा है कि बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, और पूर्व सरपंच और हालिया सरपंच दोनों से हमने बातचीत करवाई, पूरे जो हर जो गांव में सरपंच हो, पंच हो या नंबरदार हो, सभी के सभी लोग जो है पूर्व SDM संदीप सिंह को समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।